जय हिंद दोस्तों मैंने धीबेन चौहान आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z होता है दैट इज रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इस तरीके से मॉड्यूलस फाइंड करते हैं तो अगर हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अभी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो न्यूमेरेटर बाय डेनोमिनेटर टाइप का है इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, फिर मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो इसे नाम देते हैं z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से मैं निशान डाल देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा ओके तो डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा ओके ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो वन प्लस आयोटा को वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस आयोटा का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का माइनस फिर वन माइनस आयोटा को वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस आयोटा का हो जाएगा होल स्क्वायर अब इन स्क्वायर्स को हम ओपन करेंगे तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ पर ए बराबर वन है बी बराबर आयोटा है ओके तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन ओके आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर फिर टू ए बी तो ये हो जाएगा टू आयोटा नेक्स्ट ब्रैकेट में फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ पर ए बराबर वन है बी बराबर आयोटा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन फिर बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू आयोटा अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो यदि मैं इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें जो ये ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज होंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इस तरह से यहाँ पर साइन चेंज हो गए अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी जैसे देखो आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से कैंसिल प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हमारे पास क्या बचा टू आयोटा प्लस टू आयोटा जो हो गया फोर आयोटा अब डेनोमिनेटर में देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर ए है वन और b है आयोटा तो वन स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर तो वन स्क्वायर मीन्स वन आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन ओके नाव फोर आयोटा वन प्लस वन अपॉन टू अब यहाँ पर भी कैंसिल होगा टू से फोर को कैंसिल करो तो यहाँ पर हमें मिलेगा टू आयोटा ओके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आगे के लिए टू आयोटा तो z हमें मिला टू आयोटा अब इस z का मॉड्यूल्स फाइंड करना है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर जो है नहीं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो है टू तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर तो अंडर रूट फोर क्या होगा टू तो मॉड्यूलस ऑफ z हमें मिला टू